आदिवासी। राहुल गांधी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कंटेस्ट की सोच में पड़े रही है। राहुल गांधी धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में? ना जाति जनगणना रुकेगा, हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, जनता से ऑर्डर आ गया। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में राजनीति की परिधि से सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय जनगणना का दांव चल दिया। तो मैंने लिस्ट निकाली मिसिंग, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी, ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं, तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। राहुल गांधी के इस बयान पर दो दिन से सियासी घमासान छिड़ा है। राहुल गांधी पर बुरी तरह हमलावर बीजेपी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज से आने वाली सुंदरियों की सूची लेकर बैठी है। राहुल जी, अब आप विपक्ष के नेता हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, अच्छी बात है। रीता फारिया का नाम सुना है आपने राहुल जी, लाइना हेडलिंस का नाम सुना है आपने, अल्पसंख्यक समस्या, लेकिन आप इस बहस को किस चश्मे से देखना चाहते हैं? अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले हुए तो लखनऊ में बैठे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी गठबंधन धर्म याद आ गया। दो दिन बाद ही सही, लेकिन राहुल गांधी के बचाव में सामने आ गए। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति गणना कराना चाहता है। अब हमें उम्मीद है कि जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी और उनके साथी शायद ये भूल गए कि कांग्रेस के शासन में कराया गया सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हो या कर्नाटक में कराई गई जातीय जनगणना, आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। बीजेपी ने इसी पर कांग्रेस को घेर लिया। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। दरअसल जातीय जनगणना का कर्नाटक चैप्टर कांग्रेस की दुखती रग जैसा है। दावा किया जाता है कि वहां ये रिपोर्ट जारी हुई तो कांग्रेस को इसका सियासी नुकसान हो सकता है, इसीलिए गिरिराज सिंह कांग्रेस की मांग को नौटंकी बता रहे, लेकिन यही मांग एनडीए में भी उठ रही। लेटरल एंट्री से लेकर भारत बंद जैसे मुद्दे पर विपक्ष के साथ दिख चुके चिराग पासवान जातीय जनगणना को विकास के लिए जरूरी बता रहे। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। राजनीति में जितनी अहमियत टाइमिंग की है उतनी ही पोजिशनिंग की भी। केंद्र की सत्ता में आ चुके चिराग पासवान जातीय जनगणना के जरिए बिहार की स्टेट पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा खोज रहे। कांग्रेस इसी जातीय जनगणना के दम पर ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बढ़ाना चाहती है और बीजेपी को इसी जातीय जनगणना में हिंदू वोट बैंक बिखरने का खतरा दिखाई दे रहा। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।